इससे पहले मैं इसी मुद्दे पर एक इशू वीडियो बनाया था, जो कि ग्राम पंचायत बवई की आंगनबाड़ी केंद्र का था, जो कि वह आंगनबाड़ी इतना क्षतिग्रस्त होते हुए भी वहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नन्हे नन्हे बच्चों को उसी आंगनबाड़ी पर पढ़ा रही थी, उन्हें शिक्षा दे रही थी। और ये जो अभी क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी ये हम देख रहे हैं, ये कब से इस हालत में है? ये बना उसी समय से क्रैक हो गया था सर, अभी अभी ज्यादा ही गिर गया। तो यहाँ पे अभी बच्चे लोगों को बिठा रहे हैं आप? हाँ, बिठाते हैं कभी कभार जी। और बारिश के दिनों में? बारिश के दिन में दूसरे के घर में लगाते हैं। यदि टूटा हुआ भवन और गिर के उनके जान जोखिम में डाल देगा तो कैसे करेंगे? मुसीबत में फंस जाएंगे। तो आपके बच्चे भी जाते हैं जी? तो आपको डर नहीं लगता? लगता है। कुछ ही दिन बाद यह इशू वीडियो सक्सेस वीडियो में तब्दील हो चुका है और वहां अब काम चालू होने को है और नींव भी खुदाई हो चुकी है। अब बवई पंचायत में क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी बनने को प्रारंभ हो चुका है। कुछ ही दिन, कुछ महीने में यह बनकर खड़ा हो जाएगा और नन्हे मुन्ने बच्चे इस आंगनबाड़ी भवन में अपनी भविष्य की रचना करेंगे। मेरे मन में बहुत खुशी हो रही है और गांव वाले को भी खुशी हो रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे मन हैं, उन नन्हे मुन्ने उन लोग अब पढ़ेंगे सीखेंगे। इसके लिए धन्यवाद, और आपको अधिकारी को भी धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद। और इस मुर्दा को उठाए हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी भवन को नए तरीके से बनाने में हमें सहयोग दिया। मैं खिरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडा गांव, छत्तीसगढ़।